आज हम लोग को पढ़ना है क्या, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का एक और क्वेश्चन। और इसमें जैसा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे जनरल एंट्री पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कितना मिनट का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है, 30 मिनट्स का है। फाइनली आधे घंटे में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रखा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इनकर्ड बिटवीन एक्स वाई जेड अलमीरा डीलर, जो कि है तो साफ साफ दे दिया है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड किस चीज़ का बिजनेस करता है, अलमीरा एंड पी क्यू आर लिमिटेड जो कि कंप्यूटर डीलर है। फिल अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मार्क बोर्ड, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। जो जनरल एंट्री करनी है दोनों की बुक्स में करनी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 अगस्त 2019 को मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड सोल्ड 5 पीस गोदरेज इंटीरियर्स स्लिम लाइन 2 पीस है मेटल अलमीरा एट द रेट 10,845 टू मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड। तो यहाँ पे बोल्ड देखो कौन है, एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वाउचर आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ पे सेल इनवाइस की एंट्री होगी। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास ना ये एक्सेल पे हमारा बना हुआ है सारे वाउचर्स, और प्लस यहाँ जनरल एंट्री करनी है। तो इनवाइस सबसे पहले आपको पता है इनवाइस बनेगा किसके नाम पे बनेगा, मेसर्स पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में से पी क्यू आर लिमिटेड है, मेसर्स नहीं लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ पे पी क्यू आर के आगे मेसर्स लगा वहाँ मेंशन करना मत भूलिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे है, अब बिल नंबर क्या है मैंने डाल दिया क्या, 001 पहला बिल है मान लीजिए। और यहाँ डेट क्या है, डेट देख लीजिए, 1 अगस्त 2019 क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग डेट मेंशन कर लीजिए, चालान नंबर ऑर्डर नंबर इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पीस हम लोग बेच रहे हैं, सॉरी 5 पीस, क्या है 5 पीस, गोदरेज इंटीरियर स्लिम लाइन। ठीक है, रेट देख लेते हैं 10,845। ओके, अमाउंट कितना हो गया मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 54,225 का है गुड्स, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट तो ऑफर नहीं किया गया, कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहिए था, क्या है ये, 2S है ना, 2S भी है, पूरा हम लोग को कॉपी करना चाहिए था, ये पूरा नाम है। फाइनली टोटल वर्ड्स में लिख देंगे, ₹54,225 ओनली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवॉइस की सारी डिटेल मेंटेन होगी, बस सब कुछ नहीं है, बस सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे मैं अपने नाम से सिग्नेचर कर देता हूँ, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाउचर में। तो सेल की एंट्री हमने मेसर्स पी क्यू आर के नाम पे चढ़ा दी, अब सीधे जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री जरा देख लीजिए किस डेट में हो रहा है सेल्स की एंट्री, 1 अगस्त। मेसर्स पी क्यू आर को हम डेटर बनाएंगे, ओके नरेशन ₹54,225। हो गया, अब इनके बुक में सेम डेट में एंट्री होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज
हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं होगा, गुड्स नहीं है क्योंकि कंप्यूटर का डीलर है, तो इसलिए क्या होगा फर्नीचर, इसी पे नंबर कटने वाला था। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एक्स वाई जेड। अमाउंट उठा लीजिए, अमाउंट बीइंग फर्नीचर क्लियर। तो एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का वाउचर था, दो दो नंबर की जनरल एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन 5th अगस्त 2019 को मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड पेड 54,200 बाई चेक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो देखिए 5th अगस्त को मेसर्स पी क्यू आर पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे किसके बुक से एंट्री करनी है। या ध्यान से पी क्यू आर पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पी क्यू आर चेक काट रहे हैं ना, इस बार ध्यान रखना पी क्यू आर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है क्योंकि पी क्यू आर बोल्ड में है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वाउचर काटना है। तो ये क्या काटेंगे, चेक काटेंगे ना। देखो तो पी क्यू आर का चेक है भी, किसके नाम पे कटेगा, मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड LTD ऐसे भी लिख सकते हैं, 54,200 है ना, डेट है 5th, 5th अगस्त 2019। हाउ मच हंड्रेड ना, 20 है, 200 ओनली, 200 ओनली, 54,200, 54,000 क्या लिख दिया मैंने, 54,200 ओनली। हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अकाउंट पे ही चेक बनाना है, क्या लिख देंगे अकाउंट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर ना, डार्क वाला। हो गया, दैट्स इट, अकाउंट पे भी हो गया। मेरे ख्याल से चेक काट दिया सबने प्रॉपरली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए। पी क्यू आर लिमिटेड पेड द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब चलिए जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री पे फाइनल सेटलमेंट का ध्यान रखना है, इसका नाम ही चेंज हो गया। क्या करना है इसमें, पहले तो डेट पहले देख लीजिए, पेमेंट कर रहे हैं किसको, पेमेंट मिल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितना नहीं आया उसके लिए क्या खोलेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर मेसर्स ठीक है। अब चलिए देखिए मिसर्स पी क्यू आर कितना दे रहा है, जाहिर सी बात है इतना ही देगा, लेकिन बैंक में हमारे आ कितना रहा है, 54,200 माइनस कितना छोड़ दिया गया, 25 रुपीज डिस्काउंट। किसी कोई दिक्कत, बीइंग अमाउंट रिसीव इन, बीइंग अमाउंट रिसीव बस इतना ही लिखो, काफी है, लिख भी सकते हैं एंड डिस्काउंट गिवेन। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा एंट्री होगा ना,
यहाँ पे किसको दे रहे हैं हम लोग, मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड को पेमेंट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट है ना, टू डिस्काउंट भी लिख सकते थे, यहाँ बैंक का नाम क्लियर है तो लिख देते हैं, कौन सा बैंक था, बहुत बढ़िया बैंक है नहीं। कितने से था, 54,225 से फाइनल सेटलमेंट हुआ, 54,200 दिया गया और 25 रुपीज फाइनल सेटलमेंट बीइंग अमाउंट पेड, हो गया एंट्री का भी फाइनली 422 हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट 6 अगस्त को क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू वेल्दी बैंक सीसी अकाउंट, उसी में वेल्दी बैंक में इनका भी खाता है, वहां पे खाता नंबर ये, इसमें अब ये जमा कर रहे हैं पैसा, आते हैं वाउचर में, डिपॉजिट स्लिप हम लोग भरने वाले हैं। ओके, जगह कम पड़ रही तो इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, मर्ज कर लिया, और ध्यान रहे इसको नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर में कर लेना और डेसिमल पोर्शन हटा देना, ठीक है, हो गया अकाउंट नंबर। यहाँ पे भी अकाउंट नंबर सेम रहेगा तो ये भी उठा के सीधे इसी को रेफरेंस उठा लो, जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे भी क्या करो मर्ज, कितना तो इन लोगों को कर देना चाहिए था यार, चलिए ठीक है कोई नहीं, हम लोग कर देते। किसके खाते में जमा हो रहा है, मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड के खाते में जमा हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम नाम है, उठा लिया, क्या जमा कर रहे हैं, चेक, तो चेक नंबर क्या है बता सकते हैं, चेक नंबर देखना पड़ेगा, चेक नंबर क्या है, 031540, जीरो थ्री वन फाइव फोर जीरो चेक नंबर कितने अमाउंट का था, 54,200 का चेक था, ठीक है, बैंक कौन सा ही, बगल में भरते जाओ, वेल्दी बैंक का चेक था, वो भी किस ब्रांच का चेक था देखना पड़ेगा, ब्रांच था आपका एनएस रोड ब्रांच, क्या है एनएस रोड ब्रांच, कोलकाता लिखने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे ना ब्रांच का नाम क्या होता है, जैसे गोरखपुर में कई ब्रांच है एचडीएफसी का, तो कौन सा ब्रांच है, क्रॉस मॉल है। अब यहाँ चेक नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है, यहाँ रेफरेंस उठा लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे मर्ज, ये सब थोड़ा सा आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चेक के ऊपर डेट क्या थी, 05 था ना, 08/2019, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, हो गया। अब फाइनली कौन सा अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, तो सीसी अकाउंट पे टिक करना है, तो इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, खुल जाइए महाराज, हाँ अब यहाँ पे जाने का सिंबल, अब यहाँ पे टिक है, बस इंसर्ट कर लीजिए, ओके टिक आ गया, क्लोज करिए, ठीक है। यहाँ पे इन वर्ड्स लिखना था, वर्ड में लिख देते हैं 54,000 ओनली, सही है, सॉरी 54,200 ओनली, सही है। यहाँ पे भी सेम चीज उठाना है, यहीं से उठा लेते हैं, क्यों थोड़ा टाइम तो हमारा बचेगा, एक्सेल है तो इतना कर ही लेना। डेट क्या है, किस डेट को जमा कर रहे हैं, अगले दिन ना, 6 को,
किस ब्रांच में जमा कर रहे हैं तो क्लियर है नहीं, हम लोग का ही मान लो वही एनएस रोड ब्रांच में हम लोग का भी खाता है सपोज करो, तो कुछ दिया नहीं तो नहीं, दिया तो है जी, दिया कहाँ है, यहाँ देखो दिया हुआ है। कोलकाता मेन, बड़ा टफ नाम है। हो गया, डेट यहाँ पे देखिए देखना है, डेट यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, यही डेट हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। पैन नंबर नहीं देना है, टोटल अमाउंट का कितने का था भाई, चलिए ठीक है, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर में यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। ओके तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम लोग का चेक की डिटेल हम लोगों ने भर दिया, मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, इट्स ओके okay. भरना होगा तो अपनी तरफ से भर सकते हो। बाकी जनरल एंट्री करनी है हम लोग को, जनरल एंट्री किस दिन होगी, 6 को। कुछ पूछना है किसी को, किस में जमा हो रहे, वेल्थी बैंक। और इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे बैंक की तरह ट्रीट कर लिया था ना, अब यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना होगा, क्योंकि सेम डे में तो बैंक में नहीं जमा किया था ना, तो यहाँ पे एज अ कैश की तरह ट्रीट करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। पीछे जाओ बिजनेस अकाउंटिंग की क्लास में, पता चल जाएगा। अब देखिए कितना था, 54,200। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज समझ लो, जनरल एंट्री में जिस दिन ये बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ाया था, अगर हम लोग दो चीज होती है, चेक हमें मिला उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया, तब हम अपने बैंक को डेबिट मारते हैं, चेक तो हमेशा हमारे लिए कैश ही होता है। आपने एचडीएफसी बैंक का चेक दिया, मेरा एक्सिस बैंक का खाता है, जैसे मेरे को एचडीएफसी बैंक का मेरे को चेक मिलता है, मैं तुरंत क्या करता हूँ, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिस पार्टी से मिला, हमें आपके बैंक से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ मेरे को आपका चेक मिला है, आज नहीं जमा कर रहा हूँ, कल जमा करेंगे, तो आज जब मिलेगा तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज अ कैश, वो चेक हमारे लिए क्या होता है, कैश होता है, तो कैश की तरह डेबिट कर लिया और अगले दिन देखो कैश चला गया मेरे बैंक में, वेल्दी बैंक में। इसीलिए कहता हूँ हम लोग कितना भी पढ़ लें, जनरल एंट्री में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बीइंग चेक, हम लोग चेक डिपॉजिट कर रहे हैं ना, चेक डिपॉजिटेड है ना, और चेक नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा, चेक नंबर क्या था, 03। ठीक है, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, चलिए ठीक है, इनके बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं ना होगी इसकी, सो कंप्लीट हो गया। अभी एक क्वेश्चन और रह गया, देखो यहाँ पे दो नंबर तो दे रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिटेड अबव बैंक, ये बाकी का दो नंबर किस बात का दे रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है, आप जानते हो किस बात का दे रहे हैं, वो इसी बात का दे रहे हैं कि बैठ के इसके बुक्स में एंट्री ना कर देना, किसकी बुक में, पीक्यूआर की बुक में एंट्री नहीं करने पे दो नंबर मिलेगा, कर दिए तो दो नंबर कट जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं दोनों की बुक्स में एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन नहीं ना होता है। अब क्या करना है, अब लास्ट क्वेश्चन जो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th को चेक इशूड पीक्यूआर लिमिटेड रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होगा तो सर जी दोनों के बुक्स में एंट्री कर दीजिए आप, डिसऑनर होगा इसके लिए कोई वाउचर एंट्री नहीं करनी है, बस सीधे हम लोग को 07 08 को सीधे जाके एंट्री पास कर देने, चेक डिसऑनर जब भी होता है तो जिसका चेक होता है हम उसको वापस कर देते हैं, तो किसका चेक था, पी क्यू आर, तो मेसर्स पी क्यू आर, दिमाग में सिंपल सा कंसेप्ट रखो कि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो जिसका भी चेक, भाई बैंक हमें वापस करेगा, हम किसको वापस करेंगे, हम तो उसे वापस कर देंगे ना जिसका चेक था, तो किसका चेक था, पी क्यू आर,
यहीं से उठा लेते हैं, पीक्यूआर डेबिट हो गया, टू क्या हो जाएगा उसका, हम उसका चेक वापस कर देंगे टू बैंक, हमारा बैंक, कौन सा हमारा बैंक था, अब दोनों का नाम सेम है तो क्या करें, बात समझे, टू वेल्दी बैंक, हमारे बैंक से गया पैसा, कितना गया 54,200 का चेक डिसऑनर हुआ है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग चेक 03, कुछ दिया नहीं है चार्जेस का, अगर दिया होता तो हम चार्जेस भी मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, डिसऑनर हो गया। चलिए स्पेलिंग गलत होगी ना, एन ओ यू आर होता है डिसऑनर, ओके। अब इनके बुक्स में भी एंट्री होगी, इनके बुक्स में किस दिन एंट्री होगी, वही 7th को, क्योंकि हम उन्हें वापस करेंगे, तो वो किसको डेबिट करेंगे, इनका बैंक वापस आ रहा है ना, तो इनका भी वेल्दी बैंक में ही खाता है, वेल्दी बैंक का चेक इनको मिल रहा है, तो वेल्दी बैंक अकाउंट डेबिट, ये अपने वेल्दी बैंक को डेबिट कर रहे हैं, ध्यान रहे इन्होंने किसको डेबिट किया, अपने बैंक को, देने वाला कौन है, यानी एक्स वाई जेड को क्रेडिट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड फिर से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, कितने से 54,200। यहाँ पे एक चीज लेकिन गड़बड़ होगी, 54,200 का चेक वापस आ रहा है, बीइंग चेक 0 अब एक चीज़ का ध्यान से देखना, ये हम लोगों ने कर तो दिया कंप्लीट, लेकिन फिर भी अभी नंबर मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दूं जब भी चेक डिसऑनर होता है तो जो डिस्काउंट दिए होते हैं हम वो डिस्काउंट ख़त्म कर देते हैं, यानी ₹25 का डिस्काउंट भी ख़त्म करना है, ₹25 का डिस्काउंट भी क्या करना है, ख़त्म करना है, तो पी क्यू आर को डेबिट हम लोग कितने से करेंगे, 54,225 से वापस करेंगे, क्यों 54,225 से वापस करेंगे, वो पूरा डेटर बनाएंगे। अब मेरे बैंक से गया कितना, 54,200 गया, ध्यान रहे एक रो इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कितना गया है 54,200, और टू कर दीजिएगा क्या, डिस्काउंट ख़त्म, डिस्काउंट जो यहाँ डेबिट हुआ था यहाँ क्रेडिट कर लीजिएगा, कितने से 25 रुपीज़ से। अब समझ में आया कि नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, समझ गए हो ना क्या करना है, मेरे वेल्दी बैंक में आएगा तो कितना 54,200, यहाँ पे रुचो कंट्रोल एक्स कंट्रोल नीचे कर देते पेस्ट, फॉर्मेट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, जो डिस्काउंट मिला था ना, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, रिसीव अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अब डिस्काउंट अब हमें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सबको पता है, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, और पार्टी मेरा पूरा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, ये ₹25 डिस्काउंट वाला मेंशन करना पड़ेगा, यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, तो छोटा सा क्वेश्चन पेपर था, बहुत बड़ा नहीं है, आधे घंटे के अंदर करना था मेरे ख्याल से, अगर ये वीडियो आपको समझ में आओ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।